फाइनली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स की प्राइजेस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। यहाँ पर आपको दो इंजन ऑप्शन मिल रहा है, 1.2 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन और 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। यहाँ पर आपको वेरिएंट्स की बात करें तो 1.2 लीटर के नॉर्मल पेट्रोल इंजन के साथ आपको सिग्मा, डेल्टा और डेल्टा प्लस मिल जाएगा मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। सिग्मा जो कि बेस मॉडल है, इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, बाकी दोनों के साथ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। 7,46,500 रुपए की एक्सशोरूम प्राइस पर लॉन्च किया गया है। इसके सभी वेरिएंट्स की प्राइसेस अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 1.2 लीटर नॉर्मल पेट्रोल इंजन की। बात करें 1 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के बारे में तो यहाँ पर इसमें आपको डेल्टा प्लस, जीटा, अल्फा और अल्फा डुअल टोन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसमें डेल्टा प्लस के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलेगा, बाकी जीटा, अल्फा और अल्फा डुअल टोन में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। मैनुअल से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो प्राइस का डिफरेंस है वो 1,50,000 रुपए का है। यहाँ पर आप इसके सभी वेरिएंट्स की प्राइसेस अभी देख सकते हैं। तो फाइनली इसके प्राइस की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इससे पहले हमने आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, इसके फीचर्स के बारे में, इसमें मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। अब इसका बहुत जल्द हम आपके लिए एक और डिटेल फ्रॉन्क्स का वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो लेकर के आएंगे। साथ ही साथ जो हमने इसके एक्सपेक्टेड प्राइस बताए थे उससे थोड़े बहुत ही डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में ये टाटा पंच, निसान मैग्नाइट, रेनो की काइगर और अभी ह्यूंडई की तरफ से एक्स्ट्रा आने वाली है, उसको राइवल करने वाली है। ये एसयूवी मारुति सुजुकी के नेक्सा शोरूम से बिकेगी और यहाँ पर इसके प्राइजेस काफी अफोर्डेबल रखे गए हैं। और साथ ही साथ एसयूवी के सेगमेंट में एक और कंपटीशन अब आ गया है। बहुत जल्द वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो हम इसका आपके लिए लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।